गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है प्रदीप, आप सभी का स्वागत है एक्सट्रीम एडवेंचर इंडिया में। दोस्तों, आज हमारी राइड शुरू हो चुकी है। आज दिन है 3 अक्टूबर और समय 6:30 और ये देखिए कुछ राइडर जा रहे हैं राइड पे। तो मैं बता दूं, हम जा रहे हैं एक्सट्रीम राइड पे, जो कि है सच पास, शिंकुला, जलोरी पास और अटल टनल। तो ये हमारा मेन आइटनरी है। और मैं बता दूं कि हमारे साथ को राइडर्स भी जा रहे हैं, जैसे कि सुरेंद्र भाई अभी मूर्खल में मेरा वेट कर रहे हैं। उसके साथ हमें शुभम भाई मिलेंगे जो चंडीगढ़ रहते हैं, वो चंडीगढ़ से आगे मिलेंगे। तो अमित जैन भाई हैं, वो हम मिलेंगे लुधियाना के आसपास। तो हम सब फिर मिलके आगे चलेंगे। तो आज का मैं प्रोग्राम बता दूँ, आज हमारा स्टे होगा नियर डलहौजी या भैरागढ़, जहाँ भी हम पहुँच पाएँ, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। तो आज का बहुत ही शानदार होने वाला है, ये राइड पूरी सीरीज ही बहुत ही शानदार होने वाली है। तो आप प्लीज़ पूरी सीरीज़ को देखें। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका हर कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए। अभी मैं सबसे पहले मैं जा रहा हूँ मूर्थल, जहाँ पे सुरेंद्र भाई मेरा वेट कर रहे हैं। तो मैं पहुँच चुका हूँ मूर्थल पे, ये देखिए शिव भोले की मंदिर, जय भोले की। तो भोले जी का आशीर्वाद हमारे साथ है। आज हम चल रहे हैं अपने ग्रेट हिमालयन एक्सपेडिशन पे और हम जाएंगे सच पास। और हमारे भाई सुरेंद्र भाई मिल गए हैं हमें यहाँ मूर्थल पे, तो यहाँ से हम दोनों आप मिलके चलेंगे आगे। जय शंकर की, जय भोले। तो दोस्तों, आपको मैंने जैसे बताया है कि हम हैं अभी मूर्थल में और मिस्टर सुरेंद्र हमारे सामने जा रहे हैं, सुरेंद्र सोलंकी भाई। तो अभी हम मूर्थल को क्रॉस कर रहे हैं, मेरे दाएं तरफ मन्नत ढाबा, 70 माइलस्टोन, सभी ढाबे यहाँ के फेमस ढाबे हैं मूर्थल पे। और मोस्टली यहाँ की ब्रेकफास्ट राइड की है हमने, बहुत सारी ब्रेकफास्ट राइड की है हमने मूर्थल पे। सबसे फेमस है सुखदेव का ढाबा और बहुत ही चेंजेस आ रहे हैं इस रूट पे, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, रोड को चौड़ा किया जा रहा है, एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। और ये एरोप्लेन मेरे दाएं तरफ, ये एरोप्लेन, ये दोस्तों दाएं तरफ है गुप्ती धाम टेंपल, बहुत ही शानदार टेंपल है ये। और मैं शुरू से देख रहा हूँ ये टेंपल, जब से बन रहा है बहुत ही शानदार टेंपल बना है ये। कभी आपका इस तरफ चक्कर लगे तो आप ये गुप्ती धाम मंदिर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सनराइज हो चुका है ये मेरे राइट हैंड पे, अभी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा सनराइज़। ये देखिए, ये सनराइज हो चुका है। यह सूर्य देवता की। दोस्तों, आपको ये ढाबा याद होगा, लास्ट राइड पे जब हम मोरनी हिल जा रहे थे पंजाबी ढाबे पे रुके थे, क्योंकि बहुत ही तेज बारिश आ गई थी। तो यहाँ पे हमें मोस्टली 1 आवर लग गया था। तो अभी हमारे से 2 राइडर मिलने आए हैं, मिस्टर सौरभ भाई आए हैं हमारे से मिलने, और आशीष भाई आए हैं और अंदर हैं अभी। तो अभी यहाँ पे हमने चाय वगैरह पी है। तो इसके बाद अब हम अभी करनाल में पाली भाई मिलेंगे, तो करनाल में भी रुकेंगे। ये हमारी चीता, हमारा चीता खड़ा है सुरेंद्र भाई का, और हमारे आशीष भाई मिलने आए हमारे से। तो बहुत अच्छा लगा हमें, तो हमारा सफ़र बढ़िया रहेगा। तो अब हम मिलते हैं बाइक पे आपसे। तो आशीष भाई की डोमिनार खड़ी है और सौरभ भाई की एवेंजर। टाइम 7:30 बज चुके हैं और आपने यूट्यूब चैनल किया? हाँ बेटा, नाम से एक्सट्रीम एडवेंचर इंडिया। एक्सट्रीम एडवेंचर इंडिया, यहाँ पे रहते हो पानीपत? यहाँ क्या आज है? हम जा रहे हैं सच पास, ये डलहौजी, सुना है डलहौजी? हिमाचल हिमालय, हाँ वहाँ पे। क्या कर रहे हैं?
क्या कहाँ जा रहे हो? ठीक है प्रदीप भाई, ठीक है भाई, ठीक है। तो सौरभ भाई और आशीष भाई हमें सी ऑफ करने आए थे, तो आगे पाली भाई मिलेंगे हमें करनाल में, और हम पहुंच चुके हैं करनाल टोल पे। पीछे अभी हमने पानीपत टोल को क्रॉस किया और ये है करनाल टोल, और अभी आगे पाली भाई मिलने वाले हैं। अब एग्जैक्ट लोकेशन मुझे पता नहीं है, बड़ा जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ पड़ा है ये सामने। ये कार का हाल देखिए, कार ओ तेरी, तो ये दो कारें आपस में भिड़ गई हैं। ये कार देखिए, पता नहीं कैसे भिड़ी है, एकदम एक साइड पूरी साफ कर दी है कुत्ता, सबसे डेंजरस। अम्बाला हरियाणा, ये है अम्बाला, और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत ये धनुष बनाया हुआ है, हरियाणा स्वर्ण द्वार लिखा हुआ है, गोल्डन गेट। हम लुधियाना की तरफ मुड़ चुके हैं, हमने लुधियाना और पठानकोट वाला रूट लेना है, और आगे फिर डलहौजी के लिए रास्ता कटता है। काफ़ी ट्रैफिक हो गया है यहाँ पे, पता नहीं, राजपुरा 18 किलोमीटर। इस टूर के लिए मैंने अपनी बाइक पहले सर्विस कराई, एक तरीके को ही सर्विस कराई थी, और काफ़ी काम कराया मैंने इसमें, क्योंकि कोई भी राइड जाने से पहले अपनी बाइक को पूरी तंदुरुस्त बनाना पड़ता है, नहीं तो कहीं भी आपको रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो मैंने बाइक के तीनों स्पार्क प्लग होते हैं उनको चेंज करा दिया था। इस बाइक की बैटरी को 3.5 साल हो गए थे, तो हमने अपनी बाइक की बैटरी को भी चेंज करा दिया है इस टूर के लिए, क्योंकि ये हमारी लाइफ का सबसे एडवेंचरस टूर होने वाला है, क्योंकि काफ़ी ऑफ रोडिंग मिलेगी हमें, और कहते हैं कि ये जो सच पास है, जितने भी पासिस है सबका बाप है, बहुत ही एडवेंचर आने वाला है, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, इसलिए आप देखते रहें एक्सट्रीम एडवेंचर। दोस्तों ये संत रेस्टोरेंट और होटल है कोई, तो यहाँ पर आए हैं अभी, थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे और हमारे राइडर का वेट करेंगे यहीं पे। दोस्तों अभी हम राजपुरा से 5-6 किलोमीटर आ गए संत होटल एंड रेस्टोरेंट, तो ये हम लाए थे पनीर के रोल, चिली पनीर रोल ये हम खा रहे हैं, और ये गुड़ की चाय मंगाई है, और ये हमारे सुरेंद्र भाई, तो अभी ब्रेक लिया है हमने ब्रेकफास्ट, और हम शुभम भाई का वेट कर रहे हैं जो कि आई थिंक चंडीगढ़ या जरकपुर से आ रहे हैं, और अभी पहुंचने वाले हैं, उनका अभी फ़ोन आया था, तो वो भी हमारे साथ ही चलेंगे, और आगे अमित जैन मिलेंगे, वो अभी लुधियाना पहुंच चुके हैं। अभी हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, और यहाँ की गुड़ वाली चाय बहुत ही लाजवाब है, हाईली रिकमेंडेड। अगर आपको इस रूट पे आना हो तो राजपुरा से 10 किलोमीटर आगे ये संत होटल है, आप ही की साइड में लुधियाना साइड जाते हुए, राजपुरा से लुधियाना जाते हैं। तो शुभम भाई भी आ चुके हैं और वो हमारा वेट कर रहे हैं, 1 किलोमीटर आगे निकल गए यहाँ से। और शुभम, शुभम सुरेंद्र नहीं मिला, वो तो पहले चला गया, अच्छा पेट्रोल तो मैंने भी डालना था, चलो आगे डाल, पीछे पीछे पेट्रोल पंप पे गया। कहाँ चंडीगढ़ रहते हो? बसंतपुर, राजपुरा से आ गए ना, रायपुरा आपने की नाम है थोड़ा, गरनूर तेरा, ये दो हमारे नए सब्सक्राइबर मिले हैं, और इन्होंने अभी हमें सब्सक्राइब किया है, तो अब अगली वीडियो में तुम देखोगे जब आएगी ना। चलो बाय, पढ़ते हो कौन सी क्लास में? 9th 7th में, चलो ओके बाय। और ये टैंक, भारत का टैंक,
अमृतसर 128 किलोमीटर, जालंधर 47। दोस्तों अभी हम फगवाड़े को क्रॉस कर रहे हैं, ये है फगवाड़ा, और इसके बाद 20 किलोमीटर बाद जालंधर आ जाएगा। दोराहे से कंटिन्यू राइड कर रहे हैं अभी तक, अमृतसर 101, जालंधर 21। ये कोई शुगर मिला है मेरे राइट हैंड पे। दोस्तों अभी हम हैं अवतार रेजिडेंसी में और हमारा लंच ख़त्म हो चुका है। अच्छी तरह पेट पूजा हो गई है, पेट में चूहे कूद रहे थे क्योंकि दराह में हमने पेट्रोल डलवाया था, उसके बाद नॉन स्टॉप यहाँ पे चला के लाए थे यहाँ। और पठानकोट हाईवे है, यहाँ से पठानकोट की जो दूरी है वो 100 किलोमीटर है, तो हमने लगभग 200 किलोमीटर और अभी डिस्टेंस कवर करना है। तो मैं अपने दोस्तों से मिलवा देता हूँ, सुरेंद्र भाई से तो मिलवाए हैं। भाई का नाम क्या है? अमृत। ये अमृत भाई हैं, लुधियाना रहते हैं, जलंधर से हमें मिलने आए हैं। बहुत ही राइडर है ना? हाँ जी, हाँ जी राइडर। वेरी गुड। कौन सा ग्रुप है अपना? मेरा राइडर एडिक्ट्स ग्रुप है। राइडर एडिक्ट्स ग्रुप, वेरी गुड। तो बहुत बढ़िया सर, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। आपका वेट करने के लिए तो मैं लेट हो गया, आपका वेट दिल्ली आओ तो पक्का मिलना हमारे को, जरूर भाई दिल्ली आए। बाकी भाई के टच में है, पक्का पक्का उसके साथ आपको मिल लेंगे। शुभम भाई से मिलवा देता हूँ। हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब? बहुत ही बढ़िया, हमारे यूट्यूबर हैं और 50,000 सब्सक्राइबर हैं भाई के, बहुत ही शानदार। आप सबका प्यार है, इधर भी बरसाओ थोड़ा, जल्दी थोड़ा थोड़ा बरसाओ सबको, बिल्कुल। और अमित भाई से नहीं मिलवाया मैंने, अमित जैन जी हमारे। क्या हालचाल भाई? तो आज आइए, हम चारों लोग राइड पे जा रहे हैं, तो लंच फिनिश हो चुका है, अब आप सीधा बाइक पे बैठेंगे और सीधा निकल पड़ेंगे। पठानकोट के पहाड़ शुरू हो चुके हैं, आई थिंक छोटे से एरिया है पहाड़ का पठानकोट का। हम लगभग पठानकोट पहुंच चुके हैं। अगर आपने धर्मशाला जाना है तो आपको राइट हैंड पे जाना पड़ेगा, और 84 किलोमीटर है धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश धर्मशाला, तो ये रास्ता राइट हैंड को जाता है, पठानकोट से पहले धर्मशाला, और अमृतसर यहाँ से 110, जम्मू भी 110, श्रीनगर 409 किलोमीटर, डलहौजी 80, चंबा 130, कुल्लू 286, मनाली 326। तो पठानकोट से जो फ्लाईओवर जो जम्मू को जाता है उससे पहले कट आता है, हमको राइट हैंड को मुड़ना पड़ता है, तो ये वो रूट आ गया है। तो हम गलती से, मैं तो सीधा चला गया था जम्मू की तरफ, तो वहाँ से हम रॉन्ग साइड से वापस आए फिर, तो अभी हम सही रूट पे आ गए हैं। ये पहाड़ तो शुरू हो गए हैं, लेकिन रोड की जो हालत बद से बदतर होती जा रही है मैं बता नहीं सकता। और यहाँ इस रोड पे बाइक चलाने का मतलब है कि अपने आप को थकाना, क्योंकि सेकंड सेकंड में आपके ब्रेक, क्लच, गियर, हर चीज़ यूज़ करना पड़ता है। ये देखिए, ओहो मैडम फ़ोन पे बात करते हैं, एक हाथ से स्कूटी चला रही, कमाल। तो गाइस यहाँ पे हमने काफ़ी लंबा ब्रेक ले लिया, मोर देन हाफ एन आवर, लगभग पौना घंटा हमने यहाँ पे ब्रेक लिया है, क्योंकि बहुत ही शानदार व्यू दिखाई दे रहा था और काफ़ी थक भी गए थे, क्योंकि रोड की हालत बहुत ख़राब है। और आगे अभी जैसे हमने लोकल से बात करी तो 20 किलोमीटर अभी पठानकोट का ही एरिया चलेगा, और व्यू देखिए चारों तरफ, यहाँ से आई थिंक पहाड़ शुरू हो जाते हैं, मेन पहाड़ जो हैं। हिमाचल अभी 20 किलोमीटर आगे है, बता रहे हैं कि ये 20 किलोमीटर है अभी। तो दोस्तों ये देखिए सनसेट, और अभी हम हैं पठानकोट में, और 10-12 किलोमीटर और अभी हमने पठानकोट कवर करना है, उसके बाद हिमाचल शुरू होगा। और ये ब्यूटीफुल सनसेट हो रहा है यहाँ पे, बहुत ही ब्यूटीफुल।
धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता जा रहा है। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सनसेट है दोस्तों। हमने हिमाचल में एंटर कर लिया है, यहाँ से हिमाचल की बाउंड्री शुरू हो जाती है। पीछे चेक पोस्ट आया था, वहाँ से हिमाचल शुरू हो जाता है। और ये सामने पहाड़ देखिए, और डलहौजी यहाँ से 31 है। जैसे हिमाचल में हम एंटर किया है, देखिए पहाड़ों का नक्शा ही चेंज हो गया, बिल्कुल मिट्टी वाले पहाड़ हैं और बहुत ही कच्चे पहाड़ हैं। और यहाँ पे बारिशों में तो बहुत ज़बरदस्त लैंडस्लाइड होती होगी। ये देखिए बिल्कुल मिट्टी और छोटे छोटे पत्थर मिक्स हैं। तो दोस्तों मैं एक व्यू के लिए रुका हूँ, ये देखिए सामने व्यू, ऐसे लग रहा है कि वो चंबल की घाटी की याद दिलाता है ये चीज़। इस तरह के पहाड़ की कटिंग है, ये बारिश के कारण ये कटिंग बनी है। ये चारों तरफ ऐसे ही है, पूरा चंबल घाटी लगाए दिखाई दे रही है पूरी। अभी अंधेरा हो गया है इसलिए आपको शायद क्लियर ना दिखे, तो हम अपने दोस्तों का वेट कर रहे हैं। अभी काफ़ी 10 मिनट हो गए हैं, अभी तक आए नहीं। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं बनी खेत, डलहौजी लगभग 5 किलोमीटर इससे और आगे है। तो यहाँ पे हम स्टे करेंगे बनी खेत में, क्योंकि ये डलहौजी के लिए थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा, 5-7 किलोमीटर आगे अंदर, और फिर वापसी में फिर बाहर आना पड़ेगा। तो हाईवे पे ही हम सोच रहे हैं कि रूम मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। गाइस अभी हम हैं बनी खेत में और चेक इन कर लिया है होटल में, और हम कुछ अभी खाना पीना लेने आए हैं। तो खाना पैक करा के घर ले जाएंगे अपने मतलब रूम पे, और वहाँ पे जाके फिर खाना खाएंगे। तो ये हाईवे है अपना जहाँ कल हमने जाना सचपास। अच्छा वो सचपास का होगा, ये उधर का होगा, ये डलहौजी का रास्ता होगा शायद। ये आई थिंक डलहौजी जाता है, और वो पल्ला वाला सचपास, चंबा सचपास हो शायद वो। तो अभी आपको अपना रूम दिखाऊंगा जाके, अभी खाना लेके जाएंगे और फिर रूम दिखाता हूँ आपको। बहुत ही बढ़िया रूम मिल गया, 600 रुपये में डील मिली है। अरे भाई साहब नाम बताइए अपना। मेरा बिट्टू कटोच। बिट्टू कटोच जी, वेरी गुड। और काफ़ी टाइम बाद दुकान खुली है, पहले खुली है? अच्छा खुल गई, यही सहारा था क्या लॉकडाउन का? यही सहारा था, 10 मई को खुले ना वो, लेकिन टाइम था 2 घंटे 3 घंटे, अभी भी 9 बजे बंद हो जाएगा। अच्छा अच्छा, 9 बजे लगा। तो गाइस मैंने आपको बताया था कि बनी खेत में हैं अभी हम, और ये मेरे पीछे देखिए अवी गेस्ट हाउस, यहाँ पे हमारा आज स्टे है। और रूम हमें बहुत ही रिजनेबल रेट में मिल गया है, 600 रुपये नाइट का। तो हम 3 लोग हैं, तो आप देख लीजिए कितना सस्ता में रूम मिल गया ड्यू टू दिस कोरोना। हमने थोड़ी बार्गेनिंग भी की थी, तो अभी हमारा जो स्टे है अभी गेस्ट हाउस में है। तो डिनर हमारा हो गया है, हम पैकिंग लेके आए थे तो डिनर हमने कर लिया है, दाल मखनी और गोभी और रोटी कुछ। तो सिंपल, ज़्यादा हमने हाई फाई नहीं किया। तो मैं रूम दिखा देता हूँ आपको, अपना रूम थोड़ा फैला हुआ है। ये हमारे सुरेंद्र भाई सोने की तैयारी में, शुभम भाई, तो रूम पूरा फैला हुआ है, लेकिन रूम अच्छा मिल गया है हमें 600 रुपये में। और वेदर बहुत ही औसम है, और मीठी मीठी ठंड है, जो ज़्यादा ठंड नहीं है, मीठी मीठी ठंड है। और ये हाईवे है, ये देखिए ये हाईवे है, और कल हमने इसी हाईवे से जाना है अपना सचपास को। तो सचपास का जो डिस्टेंस है वो लगभग 5 आवर का है। तो कल का ब्लॉग बिल्कुल ही मिस मत करना, इतना एडवेंचर आने वाला है, इतना एडवेंचर आप देखेंगे आप सोच नहीं सकते। तो आज का जो ब्लॉग है आपको कैसा लगा प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करना, और अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो एट लास्ट दोस्तों, राइड हार्ड, राइड सेफ, वंदे मातरम एंड जय हिंद, सायोनारा।